थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ये बैठक खास है। बैठक में बजट से लेकर सदन में सरकार के एजेंडे पर मंथन संभव है। प्रधानमंत्री आज शाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने वाले हैं। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी लगन से काम करने के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले चुनाव के लिए हौसला बढ़ाएंगे। तो कैबिनेट की देखिए बैठक, बजट सत्र पर मंथन, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक और मंथन होनी है। चुनाव की तैयारियां भी यहां पर आगे मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी अभी लोकसभा के चुनावों के बाद पूरी रणनीति अब फूंक फूंक कर कदम रखते हुए बनाती नजर आ रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ऐसे अगर देखें तो बैठकों का दौर तो लंबा चल रहा है, मोदी की भी आज दो ये बड़ी बैठक, क्या क्या निकल सकता है इस मंथन से? देखिए बिल्कुल, कैबिनेट की भी बैठक है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे और वहां पर जो पार्टी के कर्मचारी हैं जिन्होंने पूरे दिन रात जो है लोकसभा चुनाव में काम किया, या वो जो कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी जो है पार्टी हेडक्वार्टर में लगाई गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे और पूछेंगे कि उनका किस तरीके का जो है एक्सपीरियंस रहा, क्या उनके अनुभव हैं, उनको साझा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, क्योंकि बहुत लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया में जुड़े रहे हैं, अगर देखा जाए तो 1980 के बाद से वो चुनावी प्रक्रिया में है, उनके पास खुद के एक्सपीरियंस है और जब भी इस तरीके के मौका आता है तो वो पार्टी के कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं, बताते हैं कि उनके क्या क्या अनुभव जो है चुनावों के दौरान रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल कैबिनेट की भी बैठक, कार्यकर्ताओं संघ भी बैठक होनी है और इस पर नजर भी हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।